हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और जेल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जितने भी टाइप्स की क्रीम्स आती हैं, जो भी डर्मल क्रीम होती हैं या फेयरनेस क्रीम्स होती हैं या एंटीबायोटिक या एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे बीटाडीन के बारे में। तो बीटाडीन एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जिसका यूज़ जलने, चोट लगने या स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या माइनर कट लग जाना, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ जलने पर लगा सकते हैं या खरोंच किसी टाइप की आ जाती है स्किन पर तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं या माइनर कट में इसका यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटनोबेट एन और बेटनोबेट सी के बारे में। तो यहाँ पर एन और सी का क्या मतलब होता है? एन का मतलब होता है, देखिए, नियोमाइसिन, और सी का मतलब होता है क्लियोक्विनोल। नियोमाइसिन जो है एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, जबकि क्लियोक्विनोल जो है एक एंटी फंगल मेडिसिन है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों ही केसेस में हमको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर बीटा मेथासोन दोनों ही केसेस में दिखाई पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि दोनों में ही बीटा मेथासोन है। अगर एन आ जाता है तो यहाँ पर नियोमाइसिन एक एक्स्ट्रा मेडिसिन ऐड हो जाती है, और सी आ जाता है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेडिसिन क्लियोक्विनोल ऐड हो जाती है। ओके, तो इसका यूज़ देखिए कहाँ पर करेंगे। इसका यूज़ एंटी फंगल में भी यूज़ कर सकते हैं और एंटी बैक्टीरियल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोरियासिस। सोरियासिस मतलब कि देखिए, अगर यहाँ पर स्किन में पपड़ी सी जम जाती है तो इसको हम सोरियासिस कहते हैं। ओके, तो ये सोरियासिस का केस हो गया, तो सोरियासिस में इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक्जिमा, एक्जिमा मतलब कि दाँत, खाज और खुजली, और इंसेक्ट बाइट में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, ये दाद बन गए हैं जिसको हम एक्जिमा के नाम से भी जानते हैं, या रिंग बॉम भी इसको बोल देते हैं। दूसरा सोरियासिस और इंसेक्ट बाइट के केस में इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम क्वाड्री डर्म क्रीम के बारे में। तो मेडिसिन में किसी भी टर्म के आगे अगर डर्म शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है वो स्किन से रिलेटेड है। तो यहाँ भी देखिए, ये क्वाड्री डर्म क्रीम स्किन से रिलेटेड है। तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है? इसका यूज़ होता है रिंग बॉम। रिंग बॉम मतलब कि सर्कल में दाग बन जाते हैं इस टाइप के, तो यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फंगल इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का देखिए फंगल अगर इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे ओमनी जेल के बारे में। तो ओमनी जेल का यूज़ जॉइंट्स पेन, मतलब के जोड़ों में दर्द और मस्कुलो स्केल्टल पेन में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मस्कुलो स्केल्टल पेन ये है, और जबकि देखिए यहाँ पर है जॉइंट्स पेन मतलब के जोड़ों का दर्द, तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम बोरोलिन क्रीम की। तो ये एक एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम होती है, जब जो कि एक मॉइस्चराइजेशन स्किन को प्रोवाइड करती है, जैसे लिप्स के बीच में दरार होना और स्किन रफ होना, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं स्किन में, देखिए यहाँ रफनेस आ जाती है या लिप्स में दरार पड़ जाती है, तो यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम केला ड्रिल के बारे में, जो कि स्किन सूथिंग सॉल्यूशन होता है। ये लोशन के फॉर्म में आता है। इसका यूज देखिए कहां पर करना होता है? अगर स्किन में किसी टाइप की एलर्जी हो जाती है या स्किन जो है सन बर्न हो जाती है, मतलब कि धूप के कारण देखिए स्किन ऐसे बर्न हो जाती है, तो यहां पर इसका यूज किया जा सकता है। अब यहां पर डिस्कस करेंगे हम लूलिकोना जोल क्रीम के बारे में। अगर देखिए किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर जोल शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है ये एंटी फंगल मेडिसिन होती है। तो यहाँ पर भी देखिए लूलिकोना जोल में जोल शब्द आ गया है, इसका मतलब ये फंगल इन्फेक्शन में काम करेगी, जैसे कि एथलीट्स फुट। अब ये एथलीट फुट क्या होता है? जैसे कि पाँव के बीच की उंगलियों में अगर ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम एथलीट फुट के नाम से जानते हैं। ओके, दूसरा देखिए यहाँ पर रिंग बॉम में भी ये काम करती है, जैसे कि यहाँ पर दाद बन जाते हैं सर्कल फॉर्म में, अगर दाद बन जाते हैं तो यहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ बात करेंगे हम लोमिला क्रीम के बारे में। तो लोमिला क्रीम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? लोमिला क्रीम का यूज़ मिलास्मा के केस में किया जाता है। अब ये मिलास्मा क्या होता है? जैसे देखिए प्रेगनेंसी के कारण जो हार्मोनल चेंज होते हैं उसके कारण स्किन पर डार्क स्पॉट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए डार्क स्पॉट हो गए हैं, तो यहाँ पर इसको रिमूव करने के लिए लोमिला क्रीम का यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम बर्नोल क्रीम के बारे में। तो बर्नोल क्रीम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? देखिए इसका यूज़ जलने में किया जाता है। अगर कोई 1 डिग्री या 2 डिग्री के फॉर्म में जला है तो वहाँ पर इसका यूज़
किया जा सकता है। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री 1 क्या होता है, जैसे कि हम स्किन का कट सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर स्किन की लेयर है। पहली लेयर है देखिए इपीडर्मिस, इपी मतलब होता है ऊपर और हाइपो मतलब होता है नीचे। देखिए डर्मिस के अगर ऊपर वाली लेयर को क्या बोलेंगे इपीडर्मिस, और डर्मिस के नीचे वाली लेयर को क्या बोलेंगे हाइपोडर्मिस। अगर देखिए अगर जलन इपीडर्मिस तक हुई है तो इसको हम 1st डिग्री 1 बोलेंगे, अगर देखिए जलना डर्मिस और इपीडर्मिस दोनों में जलन हुई है तो यहाँ पर हम 2nd डिग्री 1 बोलेंगे। अगर देखिए तीनों लेयर जल गई हैं जैसे कि इपीडर्मिस डर्मिस और हाइपोडर्मिस तो यहाँ पर देखिए हम जलन देख पा रहे हैं तो इसको हम 3rd डिग्री 1 बोलेंगे। तो देखिए इसका यूज़ जो है 1st डिग्री और 2nd डिग्री 1 में किया जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम हेडेंसा क्रीम के बारे में, तो इसका यूज़ देखिए कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ बाबासीर मतलब के पाइल्स या इसको हम हीमोरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं या एनल फिस्टुला में इसका यूज़ किया जाता है। अब ये पाइल्स क्या होता है या हीमोरॉइड्स क्या होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हीमोरॉइड्स है, यहाँ पर वेन जो है देखिए स्वेल हो गई हैं और इन्फ्लेम हो गई हैं। अब जैसे ही देखिए यहाँ पर प्रेशर लगता है तो ये जो है रैप्चर कर जाती हैं और यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरा आता है एनल फिस्टुला जिसको भगंदर के नाम से जानते हैं, तो एनल फिस्टुला में देखिए ये जो है एनल कैनाल ये गुदा का रास्ता होता है, अगर इसके अलावा कोई और रास्ता बन जाता है तो उसको हम देखिए एनल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। अब यहां पर डिस्कस करेंगे हम कैंडिड बी क्रीम के बारे में, तो देखिए कहीं पर भी अगर कैंडिड शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है उसका यूज फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। तो कैंडिड बी का यूज कहां पर करेंगे, फंगल इन्फेक्शन में किया जाएगा, जैसे कि एथलीट फुट में इसका यूज़ करेंगे या रिंग बॉम में इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब के दांत बन जाना इस टाइप के सर्कल फॉर्म में अगर दांत बन जाते हैं तो इसको हम रिंग बॉम के नाम से जानते हैं। और एथलीट फुट जैसे कि पाँव की जो घाई होती है इसमें अगर देखिए फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम एथलीट फुट के नाम से जानते हैं। ओके अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम रिजोल क्रीम के बारे में, तो यहाँ पर देखिए रिजोल में जो होता है क्लोट्राइमाजोल क्रीम होती है, जैसे ही हम जानते हैं जहाँ पर भी जोल शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है ये फंगस में यूज़ होने वाली क्रीम होती है। तो यहाँ पर देखिए फंगल इन्फेक्शन या रिंग बॉम या एक्जिमा मतलब कि दांत खाद खुजली में इसका यूज़ किया जाएगा। ओके जैसे कि यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो रखा है और यहाँ पर देखिए दांत हो रखे हैं जो सर्किल फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोल देते हैं रिंग बॉम बोल देते हैं, तो इसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट और निकोटिनामाइड जेल के बारे में, तो इसका यूज़ पिंपल्स मतलब के दाने और एक्ने मतलब के मुहासों में इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम सोफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में, जैसे कि हम बता चुके हैं अगर माइसिन जहाँ पर भी टर्म आ जाता है उसका मतलब ये होता है ये एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक क्रीम होती है, तो इसका यूज़ देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि जैसे कि घाव हो जाता है कहीं पर या जल जाता है या कहीं पर माइनर कट लग जाता है तो वहाँ पर इसका यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जल गया है ये यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, या कहीं खरोंच आ जाती है ये माइनर तक कट लग जाता है तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोबेट क्रीम के बारे में, तो लोबेट क्रीम का यूज़ देखिए कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ स्किन रैशेस मतलब कि स्किन पे इस टाइप के चकते पड़ जाते हैं और खुजली में इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हम एक्जिमा इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्किन पे कहीं रैशेस पड़ जाते हैं मतलब कि चकते पड़ जाते हैं या खुजली जैसे दांत खाद खुजली जिसको हम एक्जिमा के नाम से जानते हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम बेंजोइल परोक्साइड जेल के बारे में, जिसका यूज़ हम पिंपल्स मतलब के दाने और एक्ने मतलब के मुहासों में यूज़ इसका कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम परमिथ्रिन क्रीम के बारे में, तो ये 5% वेट बाई वेट क्रीम होती है। ओके तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ माइट के काटने और स्किन पर किसी टाइप की खुजली हो जाने पर इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम मिडर्मा क्रीम के बारे में, तो देखिए इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ फेस या बॉडी पर किसी टाइप के काले धब्बे पड़ जाना या निशान पड़ जाने में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर फेस पर इस टाइप के निशान पड़ जाते हैं तो इसका यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। ओके अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम इचगार्ड के बारे में, तो इचगार्ड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ फंगल इन्फेक्शन जैसे कि एथलीट फुट या दाद मतलब कि रिंग बॉम और स्किन पपड़ीदार हो जाना वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, इसे ही ये रिंग बॉम मतलब कि दाद जो है सर्कल में बन जाते हैं तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है, या एथलीट फुट मतलब कि जो पैर की घाई होती है इसमें अगर फंगल का इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है।
अब यहाँ पर बात करेंगे हम टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ स्किन पर खुजली हो जाना या स्किन जो है खुजाते खुजाते लाल पड़ जाती है या सूज जाती है, तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम मूव के बारे में। तो मूव का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ जॉइंट्स पेन या मस्कुलो स्केलेटल पेन्स में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है जॉइंट्स पेन, मतलब कि आर्थराइटिस में इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, और या मस्कुलो स्केलेटल पेन में किसी टाइप का दर्द होता है यहाँ बॉडी में, तो इसका यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम टोनोडर्म क्रीम के बारे में। तो टोनोडर्म क्रीम का यूज़ बैक्टीरियल या फंगस इन्फेक्शन में किया जाता है। इसका यूज़ स्किन रेडनेस में किया जाता है। स्किन इस टाइप की देखिए रेड पड़ जाती है या रिंग बॉम, मतलब कि यहाँ से दाँत बन जाते हैं। ओके, या एथलीट फुट में इसका यूज़ किया जाता है, मतलब कि पाँव के जो बीच में जो उंगलियों के बीच में जो जगह होती है, अगर यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम एथलीट फुट के नाम से जानते हैं, या हम इसका यूज़ खुजली में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम सेलिटर ऑइंटमेंट के बारे में। तो सेलिटर ऑइंटमेंट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ सोरियासिस, सोरियासिस क्या होता है, मतलब कि जो स्किन के ऊपर की जो लेयर होती है जो पपड़ी के रूप में हटने लगती है, इसको हम जो बोलते हैं सोरियासिस बोल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए सोरियासिस का केस होता है। ओके, तो इसका यूज़ यहाँ पर सोरियासिस में किया जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम एक्नेसिया क्रीम के बारे में। तो एक्नेसिया क्रीम का यूज़ कहाँ पर करते हैं? एक्नेसिया क्रीम का यूज़ इंसेक्ट बाइट के केस में किया जाता है। जैसे कि कहीं पर इंसेक्ट काट लेता है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम डिक्लोफेनेक जेल के बारे में। तो डिक्लोफेनेक जेल का यूज़ आर्थराइटिस पेन, मतलब कि जोड़ों के दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए जोड़ों के दर्द में या मस्कुलो स्केलेटल पेन में इसका यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम स्किन लाइट क्रीम के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ मिलास्मा, मतलब कि इस पर स्किन पर काले धब्बे पड़ जाना, बर्न स्पॉट, मतलब कि जले के निशान या डार्क स्पॉट में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ये मिलास्मा का केस होता है, यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। यहाँ स्किन पर देखिए डार्क स्पॉट हो गए हैं, और देखिए बर्न स्पॉट में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट के बारे में। तो सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ मुहासे, मुहासे मतलब एक्ने में इसका यूज़ किया जाता है, और सोरियासिस, सोरियासिस जैसे कि स्किन की जो ऊपर की पपड़ी होती है उसको हटने लगती है, उसको हम सोरियासिस कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये सोरियासिस का केस है, यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। या स्किन बार्ड्स, मतलब स्किन पे जो मस्से हो जाते हैं उसमें जो है इसको रिमूव करने में इसका यूज़ किया जा सकता है।